It's 8:10 or something, and I just woke up and decided to make a YouTube vlog. Wow. So I'm gonna go get fatakse ready and see you in 1, 2, 3. Ta-da! So this is my outfit for today, and I'm all ready to go to college. So मैं मेट्रो तक जा रही हूँ वॉक करके. दैट इज़ लाइक नियर टू माई हाउस, सो आई विल बी वॉकिंग एंड गोइंग. फिर वहाँ से वहाँ पे मुझे रिया मिलेगी, माई फ्रेंड, माई कॉलेज फ्रेंड. उधर से वी विल बी गोइंग बाई ई रिक्शा, और मे बी आई डोंट नो, तो वॉक करके जाएंगे. लेट्स सी क्या होता है. एंड इट्स 9, लाइक मैं 8:10 पे उठी थी. इट्स 9, आई एम ऑल रेडी. एक 50 मिनट्स में आई एम ऑल रेडी. नो आई डिडेंट हैव माई ब्रेकफास्ट, बट आई विल बी हैविंग इन कॉलेज. यू गाइस विल सी. लाइक कॉलेज कैंटीन से कुछ खा लूँगी, जो दो इतना खास नहीं मिलता कुछ कॉलेज कैंटीन में, बट कुछ ना कुछ तो खा ही लूँगी. सो नाउ आई एम लीविंग फॉर कॉलेज. चलो. फाइनली रिया इज हियर काफी देर के बाद, एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कॉलेज. सो फाइनली आई हैव रीच्ड द कॉलेज. आज फिर कुछ हो रहा है कॉलेज में, फेस्ट जो कि रोज होता है. सो नॉट मच एक्साइटेड फॉर दिस, क्योंकि अभी रोज का हो गया एकदम से. सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स TRI 2 ब्लॉक फॉर आर इकोनॉमिक्स क्लास. यार इतना अंडरस्टूड है यार, लोग कितने हैं, दिमाग है इनके पास, भले मेरे पास नहीं बट स्टिल इनके पास तो है. This is the class. Waiting for ma'am. I'm making a vlog today. With our economics class, और अब है 1 घंटे का ब्रेक. We will roam around the college. या तो कुछ खा लेंगे या कुछ खाते हैं, भूख लगती है. मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो मोस्ट प्रोबेबली आई एम गोइंग टू ईट समथिंग, एंड आई गेस आई विल बी मेकिंग अ रील. काश मैं ये सब भी ब्लॉग में डाल सकूं. स्टिल डिसाइडिंग व्हाट टू ईट. गॉड सक्स. ये हमारे कैंटीन का छोटा सा प्यारा सा मेन्यू, और ये हमारा घटिया सा कैंटीन जहाँ का खाना बहुत घटिया है, और ये रणवीर सिंह. सो आई हैव गॉट द टोकन्स. अभी टाइम लगेगा. सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स लाइब्रेरी टू टेक आवर इकोनॉमिक्स रीडिंग्स, जो कि बहुत पहले ले लेना चाहिए था, बट सारी रीडिंग्स ले ली इकोनॉमिक्स की. गर्मी लगी, सर्दी का है था. रायता इलाज कितना बड़ा अच्छा राय में. Gonna have my first meal of the day. So finally I'm done eating. खाने के बाद बहुत अच्छा लगता है, तन मन खुश हो जाता है एकदम.
बट पता है छोले चावल इज़ दी ओनली थिंग विच आई लाइक फ्रॉम माई कॉलेज कैंटीन. बाकी मैंने दो तीन चीज़ें और ट्राई की और बहुत ही वाहियात बकवास थे टू बी ऑनेस्ट. सो या आई एम गोना मेक सम रील्स बिकॉज ऑब्वियसली मैं कॉलेज दो चीज़ों के लिए आती हूँ, एक रील बनाने और एक तैयार होके कहीं जाने के लिए. सो आई एम गोइंग टू मेक रील अभी. एंड दिस इज़ द प्लेस वेयर यू नो आई हैव डन दैट शांति प्रिया वाला थिंग जो कि मुझे काफ़ी यू नो आइकॉनिक लगता है. रोज की तरह आज भी फेस्टिवल हुई ऑब्वियसली. सो आई हैड माई ESB माइनर क्लास बट मैं वो अटेंड नहीं करके इको की ट्यूट क्लास अटेंड करने जा रही हूँ क्योंकि मेरा ESB पढ़ने का मन नहीं है. एक लिफ्ट होना चाहिए था हमारे कॉलेज में. गोइंग टू टेक माई इको ट्यूट क्लासेस. मैम अभी क्लास के बाहर है. ट्यूट क्लासेस में बेसिकली कुछ होता नहीं है, बस आके बैठ जाओ अटेंडेंस दो यही होता है. हम वही कर रहे हैं ये भी और ये सारे लोग जितने बच्चे दिख रहे हैं सब लोग यही कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस के लिए और बुक खोल के हम बैठे हुए हैं. इसके बाद है हमारा लंच ब्रेक जिसमें हम पता नहीं क्या करेंगे. हमारी क्लास ख़त्म हो चुकी है बट बाहर पोछा लग रहा है तो हम जा ही नहीं सकते बाहर. गंदी हो गई हूँ कि मेरे कैमरे में गंदा आ रहा है मुझे समझ में नहीं. एको का ट्यूट ख़त्म हो चुका हम जा रहे हैं कुछ ना कुछ तो करेंगे. कॉलेज में गेड़ी मारेंगे और क्या ही मारेंगे भाई, क्या ही आता और कुछ तो नहीं आता. बट जो भी है कॉलेज इज नाइस. ये चीज़ सुन के काफ़ी लोग ट्रिगर हो जाते हैं जब मैं बोलती हूँ तो जस्ट अ रेगुलर डे इन आवर कॉलेज. खानदान की कॉन्टेंट उसमें से मेरा डायलॉग फेवरेट कि एक बार में अगर कमिटमेंट. इट्स 1 o'clock एंड इंग्लिश की क्लास है सो आई एम गोइंग टू अटेंड दैट. सो वी आर क्या बोलना था अभी इन आवर इंग्लिश क्लास. यस एंड अभी मैम गई है बाहर तो मैं व्लॉग बना ले रही हूँ. प्लस दिस इज़ द सर्वे विच आई एम गोइंग टू फिल. रुको दिखाती हूँ. सो आई एम फिलिंग द सर्वे फॉर्म. अभी मैम है नहीं. एवरी वन इन द क्लास इज सो स्लीपी लाइक मैं भी स्लीपी हूँ. इसको देखो की ऑन कर रही हूँ. तो हमें क्विक 5 minutes का ब्रेक मिला है वॉशरूम जाने के लिए. बट धूप में खड़े हैं हम. धूप में अच्छा आता है. हाँ मुझे धूप बहुत पसंद है. आई एम लाइक जादू. तुझे जाना है वॉशरूम की नहीं जाना? तू वॉशरूम में क्या लेके जा? मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तेरा वेट कर रही हूँ. उधर हमारी क्लास हो रही है. चाय घूम के आते हैं. चाय नीचे घूमने जा रहे हैं. ये है मेरा कॉलेज. प्यारा सा कॉलेज. ये वीकेंड में ये रहा मेरा कॉलेज. जो चाहिए पोस्टर्स फॉर माय रूम. वी आर नाउ लेट फॉर द क्लास. हमें 10 मिनट का ब्रेक मिला था बट हम नीचे चले गए थे. मैम क्या सोचेंगी कि मैं शॉपिंग करने लगी थी. सो नाउ आई एम डन विथ माई क्लासेज एंड आई एम गोइंग
फ्लैट में मच नीडेड ब्रेक जाके आई विल हैव समथिंग इसमें सो आई एम गोइंग टू फ्लैट नाउ डेट विद द क्लासेस बट उससे पहले आई विल बाय सम पोलरॉइड्स फॉर माय रूम मीट सौम्या शी ऑल्सो क्रिएट कॉन्टेंट्स कॉमेडी वाला कॉन्टेंट तो अभी हम लोग जाके फिर से रील बनाएंगे बट इससे पहले ये हम लोग को डैडी इशूज़ का मतलब समझाई समझाओ सो डैडी इशूज़ का मतलब है इफ़ अ गर्ल इज इंटरेस्टेड इन मोर मैच्योर मैन लाइक आई एम इंटरेस्टेड इन 21 से लेके 35 तक इट्स फाइन नो माइन इज लाइक 22 माय क्राइटेरिया इज 22-26 सो मतलब मुझे ऐसे लड़के पसंद है जिनसे मेरा कोई फ्यूचर नहीं है सो दीज आर बेसिकली डैडी इशूज एंड मुझे बम्बल से येलो कार्ड मिल गया है फॉर यूजिंग बम्बल फॉर कमर्शियल पर्पसेस क्योंकि यार मैंने बायो में सिर्फ शुगर डैडी तो लिखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगता है रील बनाए हाँ बनाते हैं अच्छा है तेरा कौन सा है 12 के लिए मान गए तू किधर के तू मेरी फोन की बैटरी इतनी डिस्चार्ज है कि मुझे इसमें चार्जर भाई यार एक भी सॉकेट नहीं है वाह वाह लाइक लेजिट हमारे कॉलेज में क्लासरूम में So finally my Uber is here. I'm going back to my flat. God. This is the main building of my college though. So I've reached my flat. I'm super duper tired. Super duper tired. God. But yeah, flat tour and also like my monthly expense each and everything I will make a video super soon वो भी बहुत जल्दी आएगा जब जैसे ये वीडियो लाइव होगी कुछ दिन बाद से वो एंड ऑल्सो गाइज वी हिट 1000 सब्सक्राइबर्स आई मीन थैंक यू सो मच सो आई होप यू गाइज एन्जॉयड वॉचिंग दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल बाय सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो बाय लव यू